What's up everybody, that's your boy Amir Siddiqui, live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ. तो गाइज यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी. तो गाइज मैं अब भी आया हूँ अपने टिरेक्टर को पार्क करके अपने पिलॉट पे. तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कंटेंट एकदम ढांसू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग. बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. और गाइज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को आप लोग के पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे तो मैं बात कर रहा हूँ. तो पहला पॉइंट है कंटेंट. आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज. यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात. और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो. तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया. और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी. सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए. यार मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो. यार टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं. तो यार गाइस शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है. हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यार एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो. मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं. और अगर किसी को मेरे से और ये बातों से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मेरे को डीएम कर लेना, मैं आपको डीएम में समझा दूंगा बातें पर्सनली. तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की. यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग. अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है. भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे. मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो. क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है. अब यही बातें मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात. तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आई भी दे देते और सपोर्ट करते एक दूसरे को. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे में अगर कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कि फैजू हो गया, जन्नत हो गई, या फिर अशिका भाटिया हो गई, फैजल सिद्दीकी हो गया, रिवॉल्वर रानी हो गई, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े लोग हैं, लकी है, 07 है, तो ये बड़े लोग हैं. अगर हम लोग में से कोई छोटा क्रिएटर इनसे हेल्प मांगेगा ना, तो ये लोग कभी मना नहीं करते, उल्टा प्राउडली इनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और सिखाते हैं कि आप लोग को ग्रो कैसे करना है. मैं पर्सनली खुद करता हूं लोगों को सपोर्ट कि कैसे ग्रो किया जाता है, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो. और जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा. तो मैं आज ये बातें कर रहा हूं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके. और गाइस यार कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है, आप लोग ने किया, हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो अब आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना. और अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे फेलो टिकटॉकर्स से. तो गाइस आप लोग छिड़ो मत, डीमोटिवेट मत हो. अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, तो उसको स्पोर्टिंगली लो. और मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स हैं जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं. तो अगर हम यूट्यूब पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा. आज तुम एंगेजमेंट की बात कर लो, मैं पहले ही बता देता हूं मेरे को ये चीज का घमंड नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये सब चीजें बोलने पे मजबूर करते हो. आप लोग के पॉइंट्स और आप लोग जो भी लोगों को बोलते हो ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, गलत गलत बातें करते हो, उनको डीमोटिवेट करो, इसके लिए मैं बोल रहा हूं. इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है. अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है. तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए. एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मानना चाहिए. बट यार पर्सनली अगेन मेरे को कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई लव यू गाइज अ लॉट. आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हो, हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम लोग को कंटेंट क्रिएटर बोला जाता है. तो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट या ट्रोल या रोस्ट करना चाहिए. और अगर पर्सनली ये वीडियो देख के किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो डीएम कर देना मेरे को, मैं अच्छे से समझा दूंगा. और जो मैंने सारी बातें की है एग्जैक्ट पॉइंट पे की है और सच बोली है, तो पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते.
हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत, जो कि आप लोग नहीं करते हो। हम लोग जरूर देंगे आप लोग को इज्जत। तो गुरु जी धन्यवाद। एक और पॉइंट है, दैट इज सोर्स ऑफ अर्निंग। तो यूट्यूबर्स भी ब्रांड से कमाते हैं और हम लोग भी टिकटॉकर्स भी ब्रांड से ही पैसा कमाते हैं। तो यार आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो टिकटॉक पे ज्यादा ब्रांड्स है कम्पेयर टू यूट्यूब। तो आप लोग डीमोटिवेट करके क्रिंज बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स बेवकूफ नहीं है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो दैट इज अ कॉमन सेंस जो मैं बताने को एक्सप्लेन कर रहा था। और मैं अपने फेलो टिकटॉकर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, गाइस दिस इज द राइट टाइम। आप लोग को पता है यार, अपनी एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे इनसे ज्यादा, हर जगह पे इनसे ज्यादा, फेस वैल्यू इनसे ज्यादा। तो व्हाई नॉट यूज दिस टाइम और यूट्यूब पे आ जाना चाहिए अब तक अपने को, और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और कंटेंट देना चाहिए, और वहां पे भी मचा दो यार। गाइस वेट किस बात का कर रहे हो? बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। मैंने तो यार कुछ सिर्फ 10 वीडियोस डाले और 10 वीडियो में टीम नाउ के सब्सक्राइबर्स 210 हो गए। तो सोचो अगर मैं वीडियोस डालना चालू करूंगा तो क्या होएगा वहां पे। यार कोई जलन नहीं, कोई हेट नहीं किसी के लिए, नो हार्ड फीलिंग्स। बस इतना ही बोलूंगा, आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, हम भी कंटेंट क्रिएटर है, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ये सब यार यही रह जाना है, कोई कब्रिस्तान में लेके नहीं जाने वाला, ऊपर तुम फॉलोअर्स और ये सब लेके नहीं जाओगे। तो या एक दूसरे को रोस्ट करना, गलत बोलना, बॉडी शेमिंग करना। मैंने देखा यार कोई एक यूट्यूबर है जो बॉडी शेमिंग कर रहा है, यार तू डंपर बोल रहा है किसी को, कतई जहर बातें कर रहा है तू, लॉन्डे यार तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था, तेरे कंटेंट में देखता हूँ मेरे को तू पसंद है, यार तू बॉडी शेमिंग करके किसी को कुछ भी बोल रहा है, डंपर है, कोई ब्लू लेंस पहन ले, बाल कलर कर ले, यार उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, तू कौन होता है बोलने वाला भाई। अभी मैं बोलूं मेरे को तेरी शक्ल नहीं पसंद आई, टट्टी जैसी शक्ल है तेरी, तो तेरे को बुरा लगेगा ना? तो वैसे दूसरे लोग को भी बुरा लग रहा है जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। मैंने देखा यार फैजल को रोस्ट कर रहे हैं, रिवॉल्वर रानी को रोस्ट कर रहे हैं, सौम्या को रोस्ट कर रहे हैं, फैजू मंजूल को रोस्ट कर रहे हो। यार इन लोग के ना कभी पास्ट में जाके देखो कि इन लोग क्या करते थे। इन लोग ना बहुत छोटी सी जगह से उठ के आज इतने ऊपर आए, इनकी मेहनत है वो। तो मेहनत के बारे में ऐसा मत बोलो क्योंकि वो डीमोटिवेट होंगे आपके वजह से। अगर किसी के बारे में अच्छी बातें नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज बुरी बातें मत करो। बस इतना ही बोलूंगा, अगर मेरी कोई बात का बुरा लगा है तो आई एम सो वेरी सॉरी। और बस इतना ही बोलूंगा, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और गाइज प्लीज ये सब बंद कर दो जो आप लोग कर रहे हो, बना रहे हो परमिशन लो, बनाओ, रोस्ट कर रहे हो परमिशन लेके रोस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है ना ये वीडियो से, तो पर्सनली डीएम कर देना, डीएम पे अच्छे से समझाऊंगा, बात करके समझाऊंगा। मेरे को कोई घमंड नहीं है भाई, मैं डीएम चेक करता हूँ, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, क्योंकि यार अल्लाह बहुत बड़ा है और ये लोगों ने मेरे को बनाया है, तो लोगों की इज्जत करता हूँ मैं, लोगों को मैनिपुलेट नहीं करता हूँ मैं। लोग आजकल करते हैं ना मैनिपुलेट कि हमारे लोग ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, फैंस है ये वो, भाई तो हम फैंस नहीं बना रहे, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है। हमारा काम है टू स्प्रेड पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी। और आज मैं इनके वजह से बनाऊं जो ये वीडियोस देख रहे, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। शायद आप लोग की वीडियोस नहीं दिख रही रहेगी इन लोग को, हम लोग की वीडियो ज्यादा ही दिख रही है, इसी के लिए तो आप लोग रोस्ट कर रहे हो ना हम लोग, क्योंकि हम लोग ज्यादा दिख रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी बनाओ वीडियोस, और अगर हमारे कंटेंट क्रिंज या कुछ होते तो आप लोग क्यों आ गए टिकटॉक के ऊपर? पहले सेलिब्रिटीज भी बहुत बोलते थे कि टिकटॉकर्स क्या है, ऐसा है वैसा है, आज खुद सारे सेलिब्रिटीज टिकटॉक पे, आप सारे यूट्यूबर्स भी तो आ चुके हो यहाँ पे। तो वो जगह को रोस्ट करके और वो जगह के बारे में गलत बात करके फिर तुम उधर ही वीडियोज डाल रहे हो, तो थोड़ा अजीब लगा मेरे को, सोचने वाली बात है। बस नो हार्ड फीलिंग्स, आई लव यू गाइज अ लॉट, और आपने जो किया मैंने भी वही चीज किया। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू गाइज अ लॉट। बस प्यार करते रहो, वही चाहिए, प्यार की कमी है, प्यार आप लोग से दूंगा मैं।